यार मैं क्या करूं, मेरे शादी के 2 साल हो गए हैं और मेरी सासू माँ कहती है इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ताने मारते रहते हैं सभी। और पति में प्रॉब्लम है कि मेरे में प्रॉब्लम है ये पता नहीं है, किस में प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं, समझ में ही नहीं आ रहे। सभी कहते हैं इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। अपने पति को बोलती हूँ चलिए डॉक्टर के पास, तो ले भी नहीं चलते, कहते हैं टाइम ही नहीं है। तो क्या करूँ, लेके चलना चाहिए, तब लेके जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि इनमें प्रॉब्लम है नहीं है, तभी तो पता चलेगी ना बात। क्या हो बाबू, उदास क्यों बैठे हो? उदास इसलिए है कि डॉक्टर पास अब ले नहीं चलते। देखो बाबू, मुझे अभी ऑफिस का बहुत सारा काम है, इस सिलसिले में फंसा हुआ हूँ और जो हमारा बॉस है ना सर पे चढ़ा रहता है, नहीं जाए तो फिर भी हम डॉक्टर पास नहीं जाएंगे, जाएंगे तो पता कैसे चलेगा किन में प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं रहता वो ताने मारते हैं ना। देखो ऐसे कुछ नहीं होता है, जब ऊपर वाला चाहेगा तभी होता है, हमारा तो काम होता है अपना कर्तव्य करना ना। वो बात सही है, लेकिन मैं भी तो कुछ कोशिश कर सकते हैं ना, डॉक्टर पास जाएंगे टाइम निकालोगे तभी तो, टाइम निकालने से टाइम मिलती है ना। चलो कोशिश करूँगा, बट अभी 1 महीने तक तो मेरे पास 2 मिनट का फुर्सत नहीं है। तुम्हें तो पता है रात में 11 बजे आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, तुम्हें देखते हो मेरे पास टाइम होता है? वो तो नहीं होता, लेकिन आप कोशिश तो कीजिएगा ना। अरे बाबू हम कोशिश करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और ऐसे उदास मत रहा करो, हंसती हो अच्छी लगती हो तुम। लेट हो जाएगा। Rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when चलता हूँ आज रमेश भाभी से मिलने, कुछ हाल चाल पूछ लिया जाए, क्या हो कर रही है क्या नहीं। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बैठिए। अरे नहीं नहीं बैठिए बैठिए आप, रमेश भाई दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं? उनको टाइम कहाँ मिलता है, ऑफिस टाइम ही नहीं मिलता उनको। अच्छा आज भी ऑफिस चले गए वो? हाँ। क्या बात है, आप इधर आके बैठी हैं घर छोड़ के? हाँ, कोई बात है क्या? अरे भाभी जी बात क्या है? हाँ देवर जी बताती हूँ, क्या बताओ, बताने की शर्म आ रही है ना। अरे शर्माइए मत, मैं तो आपका देवर हूँ ना, शर्माने से क्या हुआ? हाँ बात तो सही है, यही कि शादी के 2 साल हो गए हैं, गोद नहीं भरी है, इसी बात से परेशान है। अरे तो 2 ही साल हुए, थोड़ा सा और समय स्पेंड कर लीजिए, हो सकता है कि किसी किसी को लेट भी होता है ना। ये तो 2 साल हो गए, पर घर वाले तो बोलेंगे ही ना। अच्छा हाँ, वो सास तो आपको बोलती होगी। हाँ। वैसे भी उनके देह में शक्ति कहाँ है, देखते हैं कितना पतला है। उनको खाना वाना नहीं देते क्या? नहीं देते हैं, एनर्जी तभी नहीं बन रही है उनको। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए तो कहती हूँ चलिए डॉक्टर पास। मेरे जैसा हट्ठा कट्टा रहते ना, कब का हो गया रहता है। अब क्या बोलूँ? अरे सुनिए, आपको बोलने वोलने बोला कुछ बात नहीं है, ऐसा बात है ना तो मैं कर सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आपकी सास भी खुश हो जाएगी और आप माँ भी बन जाएंगी, लेकिन हाँ किसी को बताइएगा मत। पर अगर आप चाहे तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। हाँ बात तो सही है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, आप तो हमारे देवर हो। देखिए आपको बच्चा भी चाहिए और किसी की बातें नहीं सुननी है तो क्या करेंगे, उनको तो होता नहीं है ना, उनसे दवा बीरो भी करा के देख लिया आपने। हाँ तो क्या उसके बाद क्या उपाय है, यही है ना। हाँ है। मैं जब साथ दे रहा हूँ आपका देवर हूँ, अगर कहीं और जो कोई रहता तो अलग बात होती, इतना समझदार है समझ जाने। आप सही कह रहे हो, एक डॉक्टर मिली थी, लेडीज थी, लेडीज डॉक्टर यही बात बोल रही थी, बोली थी ना। हाँ उसने भी बोला था ना कि एक बार किसी के साथ संपर्क बना के देखिए, तो वो टेस्ट करने के लिए बताई थी, तो ऐसे पता भी चल जाएगा कि आपके अंदर कमी है या भाई साहब के अंदर कमी है। एक बार मेरे साथ रिलेशन होगा ना तो अगर बन जाता है तो आपको भी पूरी जानकारी हो जाएगी। तो भाभी जी क्या राय है आपका? राय तो मेरा ठीक है, आप सही कह रहे हो। तो चलें? हाँ चलते चलें।
तो बहुत जबरदस्त है। हाँ सही है। इसी पे आप भैया के साथ हैं? आपने दरवाजा बंद कर दिया? हाँ दरवाजा तो बंद कर दिया। अच्छा मतलब टाइम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा आपका भाई साहब जो है ना रमेश जी, आ जाने तो दिक्कत हो जाएगा। शुरू करें? हाँ। Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me. मम्मी पापा के बोलने के बाद भी मैं नहीं माना और इस लड़की से लव मैरिज कर लिया और ये मेरे साथ धोखा करी। मेरे से 2 साल बड़ी थी, मैंने ये भी नहीं सोचा, और मैंने इसे प्यार किया और इसके संग शादी रचाई, फिर भी इसने मुझे क्या दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जाके पुलिस से कंप्लेन करूंगा। धोखा दिया ना मुझे, चाहता तो मैं इसे मार भी सकता था, पर नहीं, मैं कानून हाथ में ले लूँगा। मैं अभी जाके पुलिस वाले से कंप्लेन करता हूँ, अपने काम पे फोकस करूँगा और मम्मी पापा के हिसाब से शादी करूँगा और इसको तलाक दूँगा। एक काम करता हूँ, अगर मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो ये लड़का यहाँ से भाग सकता है। हाँ एक काम करता हूँ, यहाँ से फ़ोन लगाता हूँ पुलिस वाले को, ये ठीक रहेगा। तब तक मैं इसकी निगरानी रखता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, तूने मेरे प्यार का ये सिला दिया? ऐसा कुछ नहीं, आप डॉक्टर पास नहीं जाते। चुप! घर वाले की मना करने के बाद ही मैंने तुझसे प्यार किया, तुझसे शादी किया और तू किसी और मर्द के साथ नगरेले में रहती है? अब सुन ले, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, अब तलाक होगा और निकल सिर से निकल चल बात। इसके वजह से मेरा पूरा करियर खराब हो गया, मैं अपने माता पिता से भी दूर हो गया, इसके लिए मैं घर से दूर आके अलग रहता था। अब नहीं, अब मैं यहाँ से सीधा मम्मी पापा के पास जाऊँगा और उनसे सॉरी बोलूँगा और जहाँ शादी कराएंगे वहाँ कर लूँगा। पहले सबसे पहले वकील के पास जाता हूँ और तलाक का पेपर तैयार करता हूँ।
हाँ।